जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की, इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? जगाधरी के मेरे प्यारे बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा झूठा फर्जी केस करके, सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है, पूरा हरियाणा। जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। और अभी तक हरियाणा में क्या था, पार्टी इससे नाराज हो गए इसको वोट दे दिया, इससे नाराज हो गए इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है, इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था, इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की, इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है मेरे को वोट मत देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तभी मेरे को वोट देना। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी पे नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज तक इतनी हिम्मत की है इस तरह का बयान देने की। दोस्तों,
आज आपके सामने विकल्प है, एक तरफ आपके अपने चहेते आदर्श जी हैं, आदर्श पाल जी हैं एक तरफ, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, सब लोग जानते हो आप लोग इनको, आपके चहेते, आपके भाई, आपका बेटा। और दूसरी तरफ कंवर पाल है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री आपका, बेड़ा गर्क कर दिया उसने हरियाणा के स्कूलों का, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हरियाणा का, करा कि नहीं करा? पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा माफिया चल रहा है इस टाइम, प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे, हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। पूरा हरियाणा तो छोड़ो, मेरे को यह बता दो, पिछले 10 साल में कंवर पाल ने जगाधरी के लिए एक काम कराओ तो मेरे को बता दो, एक काम कराओ? एक काम भी नहीं करा उन्होंने, फिर क्यों वोट देते हो उसको? फिर क्यों वोट देते हो उसको? इस बार इनको मौका देके देखो, इस बार इनको मौका देखो। मेरे को बताया गया ये यहां पे बर्तनों की, पीतल के बर्तनों का हब होता था जगाधरी, है कि नहीं है? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सब बंद कर दिया, रोजगार चले गए। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। और पूरे हरियाणा में सबसे पहली सीट जीतेंगे पार्टी को जिताना है। जैसे हमने काम किया दिल्ली के अंदर, ऐसे ही हम हरियाणा के अंदर काम करके दिखाएंगे, आपको सारे वादे पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।